तो वो तस्वीर जिसका इंतजार था वो तस्वीर इस वक्त आ चुकी है। जैसा ही हमने आपको कहा था कि लंच खत्म होगा, ये देखिए, ये गले मिले हैं दो दोस्त और एक दूसरे से मुस्कुराते हुए हाथ मिलाते हुए पुतिन ने बहुत गर्म जोशी के साथ रिसीव किया। और यहाँ से देखिए, और मुझे ये बताया गया है, अभी अशोक साहब ही कह रहे थे कि अभी 3 हफ्ता पहले ही वो यहाँ पर सोची में थे। सोची विंटर ओलंपिक्स आपको याद होगा, सोची बहुत ज़्यादा खूबसूरत वहाँ का एक डेस्टिनेशन है और पुतिन को बेहद पसंद ही है, और पुतिन को जो पसंद होता है पुतिन उसको सोची में रिसीव भी करते हैं। इज इट राइट सर? जी जी बिल्कुल। अभी आपने स्वयं बताया सचिन, इससे पहले जो जब एंगेला मर्केल गई थी वहाँ पर, तो उनको वहाँ पर रिसीव किया गया है बहुत मर्तबा। और अभी जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जा रहे हैं, अब ये दो तस्वीरें आ चुकी हैं, ये भी हम दिखा दें। एक तरफ सर ये बैठ चुके हैं आपस में बात करते हुए, इनके साथ शायद ट्रांसलेटर ही होंगे सर? जी बिल्कुल बिल्कुल, केवल अभी बीटा प्रेसिडेंट हैं जो कि बातचीत कर रहे होंगे। और ये हम कुछ सुनने की कोशिश करते हैं सर, आप तो समझ भी लेते हैं शायद थोड़ा। इंटरेक्शन बिटवीन आवर मिलिट्री एजेंसीज All that points to a very high and strategic level of our interaction. We are so delighted to see you, Mr. Prime Minister. We deem you personally to be a big friend of Russia, and we're so glad we have a chance to have this meeting today. Welcome, sir. Excellency राष्ट्रपति पुतिन, रशिया भारत का एक बहुत ही पुराना मित्र, और राष्ट्रपति पुतिन भारत के मित्र मेरे के, और सभी मीडिया के बंधुओं, मेरे लिए खुशी है कि आज मुझे राष्ट्रपति पुतिन के मेहमान बनने का अवसर मिला, और वो भी सोची में। मैं शायद हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसको सोची आने का अवसर मिला है। लंबे अरसे से भारत और रशिया एक अटूट मित्र रहे हैं, लगातार हमारी बायलेटरल मीटिंग होती रहती है, लेकिन मैं राष्ट्रपति पुतिन का बहुत आभारी हूं, उन्होंने एक इन्फॉर्मल समिट के रूप में, इन्फॉर्मल मीटिंग के रूप में मुझे निमंत्रित किया, और इसलिए इतने लंबे कालखंड में एक नया आयाम हमारे संबंधों में जुड़ा है। Россия является давним другом Индии, мы имеем давние исторические отношения, и господин президент является моим личным другом, другом Индии. Уважаемые представители СМИ, я очень рад быть гостем уважаемого президента и в этом городе, в Сочи. Я первый премьер-министр Индии, который посетил этот город, и у нас есть давние отношения, у нас проходят двусторонние встречи. Я хочу поблагодарить президента Путина за то, что он организовал эту неформальную встречу и меня пригласил в эту встречу. Это новая инициатива в развитии наших отношений. Бхари Бхумасе, четвертый бар Раштапати Банне ке лие, аапко бхот-бхот бадхай, бхот-бхот шукамнай. Ор мера саубхагья хай ки телефон пар то турант батчит кене ка мока мила тха. और बहुत ही कम समय में सबसे जल्द मेरा पहुंचने का प्रयास था, और आज रूबरू में आकर के मुझे आपको बधाई देने का अवसर मिला। Уважаемый Владимир Владимирович, вы стали президентом Российской Федерации 4-й раз. Я хочу вас с этим поздравить, мои наилучшие пожелания вам. Мы по телефону об этом поговорили, и я хотел лично вас поздравить. И за очень короткое время у нас состоялась эта встреча. मेरी तरफ से तो आपको शुभकामना है ही है, लेकिन हमारे एक दीर्घकालीन मित्रता और 125 करोड़ देशवासियों की तरफ से भी मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। 300 миллионов индийцев.
2000 में जब से आपने इस कार्यभार को संभाला है, भारत के साथ आपका अटूट रिश्ता रहा है और राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जब आप भारत आए थे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे और उस समय आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में कहा था कि हमारी प्राचीन सभ्यता, भारत और रूस की प्राचीन सभ्यता और मजबूत लोकतंत्र, जीवंत लोकतंत्र, इन शब्दों में आपने इसका उल्लेख किया था, वो आज भी भारत के लोग स्मरण करते हैं। Уважаемый господин президент, вы стали впервые президентом в 2000 году, и вы внесли большой вклад в